देखिए, जो ये अंजलि का मामला चल रहा है कि जिसको दरिंदों ने कार के नीचे देख के रौंद दिया, उनको पता भी था कि बीच नीचे हमारे कार में कोई एक ह्यूमन जो है भी नीचे आया हुआ है, उसके बावजूद वो कार चलाते रहे और कोई उन्होंने कार नहीं रोकी और लाश अपने आप नीचे गिरी, पर उन्होंने कुछ उसके लिए नहीं किया। ये सोच रहा हूँ तो बहुत दूर की बात है कि उसको हॉस्पिटल ले जाते। तो जो लॉ कहता है इसके ऊपर, लॉ ये कहता है कि इसमें एक तो वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे, जो कि प्रूव होता है कि उन्होंने शराब पी रखी थी, शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। दूसरा, उन्होंने जब एक्सीडेंट मारा, जब वो लड़की नीचे आई, तो उनको चाहिए था कि गाड़ी रोक के उसको हॉस्पिटल लेके जाते, पर उसके जानने के बावजूद कि कोई नीचे आया है, वो गाड़ी को चलाते रहे, लाश को घसीटते रहे और बुरे तरीके से लाश को उन्होंने खराब कर दिया। तो ये सब शो करता है कि वो हिट एंड रन के उस पे जो है वो चल रहे थे और वो चाहते थे कि उनको जो है कोई एविडेंस ना मिले और वो कानून की नज़र से भाग जाए। ऐसा कई बार मैंने देखा ही, ऐसा होता रहता है हाईवेज वगैरह पे। तो उनकी जो जो उनकी मंशा थी कि वो भाग जाए, वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें किसी ने, आई विटनेस ने देख लिया और सीसीटीवी कैमरे में भी उसका वो आ गया, जिसकी वजह से वो उसमें पकड़े गए हैं। तो उसमें केस जो लगेगा 279 का तो लगेगा ही लगेगा, नेग्लिजेंट ड्राइविंग तो कर ही रहे थे वो, उसके अलावा 304 का लगेगा, 304A भी हो सकता है, अगर इन्होंने को बड़ा वकील कर लिया तो 304A भी हो सकता है, जो कि जनरली ऐसे केसों में लगता है, 279, 304A लगता है, जिसमें कि मैक्सिमम सजा जो है 2 साल की होती है। पर इसमें अगर इसको सीरियसली परसू किया जाए, तो इसमें जो वो उनको पता भी था कि नीचे कोई आ गया है और वो उसके बावजूद कार को चलाते रहे, तो इसमें 304 लग सकता है, जिसमें कि मैक्सिमम सेंटेंस जो है 10 साल जनरली होती है। लाइफ उस केस में है कि जहाँ पे आप मारने की मंशा से तो नहीं आए थे पर आपने मार दिया, पर वो नहीं लगेगा। इसमें 10 साल तक की जनरली कैद होती है और मैंने देखा कि उनको जो है कोई एविडेंस ना मिले और वो कानून की नज़र से भाग जाए। ऐसा कई बार मैंने देखा ही, ऐसा होता रहता है हाईवेज वगैरह पे। तो उनकी जो जो उनकी मंशा थी कि वो भाग जाए, वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें किसी ने, आई विटनेस ने देख लिया और सीसीटीवी कैमरे में भी उसका वो आ गया, जिसकी वजह से वो उसमें पकड़े गए हैं। तो उसमें केस जो लगेगा 279 का तो लगेगा ही लगेगा, नेग्लिजेंट ड्राइविंग तो कर ही रहे थे वो, उसके अलावा 304 का लगेगा, 304A भी हो सकता है, अगर इन्होंने को बड़ा वकील कर लिया तो 304A भी हो सकता है, जो कि जनरली ऐसे केसों में लगता है, 279, 304A लगता है, जिसमें कि मैक्सिमम सजा जो है 2 साल की होती है। पर इसमें अगर इसको सीरियसली परसू किया जाए, तो इसमें जो वो उनको पता भी था कि नीचे कोई आ गया है और वो उसके बावजूद कार को चलाते रहे, तो इसमें 304 लग सकता है, जिसमें कि मैक्सिमम सेंटेंस जो है 10 साल जनरली होती है। लाइफ उस केस में है कि जहाँ पे आप मारने की मंशा से तो नहीं आए थे पर आपने मार दिया, पर वो नहीं लगेगा। इसमें 10 साल तक की जनरली कैद होती है और मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहते हैं कि 3-4 साल में ऐसे लोग छूट जाते हैं। जहाँ तक मर्डर का चार्ज इनके ऊपर लगने की बात है, मर्डर का चार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मर्डर के चार्ज के लिए आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि आप एक इरादा करके आए हैं कि आप इसको मारेंगे, उसके पीछे एक मंशा होनी चाहिए, मैंसरिया होना चाहिए कि आप इसको मारेंगे, क्यों मारेंगे, ये उसमें होना चाहिए, तब मर्डर का केस बनता है। क्योंकि इसमें कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि ये इसको मारना चाहते थे, इसलिए मर्डर का चार्ज तो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा और 279, 304A के ऊपर मुझे जाके ये ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक एविडेंस मिटाने वाली बात है, वो केस लगा लें, तो ये सब चीज़ें जो है जनरली मैंने देखा है कि ड्राइवर के ऊपर लगती है, जो पीछे लोग बैठे हैं, 4 लोग साथ बैठे हैं, उनके ऊपर ये नहीं बनता,
क्योंकि जब आपने शराब पी रखी है तो आपका पांचों लोगों का ये मंशा नहीं हो सकती, इरादा नहीं हो सकता कि आप लाश को घसीटते रहें और कार को ना रोकें। जनरली ये ड्राइवर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है और ये केस ड्राइवर के ऊपर बनते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर नहीं बनते। पुलिस जितना भी इसमें वो पब्लिक एंगर को देखते हुए वो शांत करने की कोशिश के लिए जितना मर्जी इसमें वो लगा ले, 201 का लगा ले, उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी का लगा ले, कुछ भी लगा ले, पर अल्टीमेटली मुझे लगता है 279 304। देखिए, ये जो वारदात थी बहुत ही दर्दनाक वारदात है। कुछ लोगों ने गाड़ी में, जब उनको पता था कि नीचे एक बेचारी लड़की करहा रही है, एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी चला दी, और गाड़ी भी ऐसे चलाई कि ऐसे लगता है कि उनको पता था कि नीचे कोई है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, गिराने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना यह है कि उनको पता ही नहीं चला, म्यूज़िक लाउड था, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आपकी गाड़ी के नीचे कुछ भी चीज़ हो, खटखट कर रही हो, तो आपको ज़रूर पता चलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये केस मर्डर का है, ये केस नेग्लिजेंस का है, या ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब कि आपको पता नहीं था पर फिर भी डेथ हो गई, उसका है। अभी ये कहा जा रहा है कि इसको मर्डर का केस बनाया जाए, पर मेरे ख्याल से ये गलत होगा, इसीलिए क्योंकि मर्डर का केस प्रूव करने के जो मापदंड होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। सेक्शन 299 और 300 के अंदर जो होता है कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर होता है उसको डिफाइन करा जाता है। मेरे हिसाब से ये केस नेग्लिजेंस का भी नहीं है, क्योंकि इसमें उनको पता था कि नीचे कोई है, नॉलेज थी कि उनकी इस हरकत से किसी की डेथ हो सकती है, इंटेंशन ये थी कि किसी तरह से गाड़ी को भगा लें, उनको जब पता था कि नीचे कोई है। तो मेरे हिसाब से ये केस सीधा का सीधा 304 में आता है। 304 के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में होता है कि जब आपको इंटेंशन हो आपकी कि आप जो कर रहे हैं और आपको पता हो कि उससे किसी की डेथ हो सकती है, ऐसी बॉडीली इंजरी, ऐसी चोटें लगे। 304 के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में होता है कि जब आपको इंटेंशन हो आपकी कि आप जो कर रहे हैं और आपको पता हो कि उससे किसी की डेथ हो सकती है, ऐसी बॉडीली इंजरी, ऐसी चोटें लगे जैसे उसकी डेथ हो सकती है, इंटेंशन जरूरी होता है। दूसरा होता है नॉलेज कि आपके इस काम से किसी की डेथ हो सकती है। तो पहले भाग में जहां इंटेंशन होती है वहां पे सजा 10 साल से लेके लाइफ की है, और जो दूसरा भाग है उसमें जहां सिर्फ नॉलेज होती है वहां पे सजा 10 साल की है। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक जजमेंट थी, याटलिया जजमेंट, जिसमें ये बोला था कि जहां पे इस तरह से किसी को पता हो और उसके बाद भी उसने इस तरह से एक्सीडेंट कॉज कर रखा हो और उसको ये पता हो कि उसके इस हरकत से किसी की डेथ हो सकती है और उसकी इंटेंशन हो कि उसके बावजूद भी ऐसी कोई हरकत कर दे, तो 304 का पहला पार्ट आएगा जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक दी गई है।